इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रिकॉर्ड समय में बने जवाहर मार्ग ब्रिज को शुरू हुए अभी एक महीना भी नहीं बीता है और निगम ने ब्रिज के पास खुदाई शुरू कर दी है, जिसकी वजह है नर्मदा कनेक्शन का फूटना और उससे पानी का रिसाव होना। देखिए रिपोर्ट। दरअसल पिछली बारिश में क्षति होने के बाद युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चलाकर इस ब्रिज को नया बनाया गया था, जिसके लिए निगम ने अपनी काफी पीठ भी थपथपाई थी। लेकिन इस ब्रिज के पास शुरू हुई खुदाई को जिसने भी देखा वह अचरज में पड़ गया। अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ब्रिज निर्माण के दौरान कुछ नर्मदा कनेक्शन में लीकेज हुआ है, जिसे ठीक करने के लिए ब्रिज बनाने वाली एजेंसी को काम सौंप कर खुदाई की गई है। हालांकि इस खुदाई से न तो ब्रिज प्रभावित हुआ और न ही वाहनों की आवाजाही। ये जो एक नर्मदा की मेन सप्लाई लाइन है वो जा रही, वो आगे जाके कहीं उसमें कुछ लीकेजेस हो गए थे और उसका जो वाटर सप्लाई है वो बाधित हो रहा था। ये जानकारी में आया था नर्मदा विभाग के अधिकारियों द्वारा कि उस, क्योंकि ब्रिज में कुछ वाइब्रेशन हुए होंगे बनते समय, तो आगे लाइट उसकी डैमेज हो गई है। तो इसी वजह से हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने ब्रिज बनाया था, उससे हमने उसको इमीडिएटली बोला है कि वो जो लाइन है उसको तत्काल रिप्लेस किया जाए, क्योंकि वाटर सप्लाई है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। ये काम जो लाइन रिप्लेसमेंट का काम किया जा चुका है, ख़त्म हो गया है और अभी एक दिन का उसको ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा कि कोई लीकेज तो नहीं है। उसके बाद एक दिन के बाद उसको पूरे तरह से रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल रात तक या परसों सुबह तक वो रिस्टोर हो जाएगा। कुल मिलाकर फिलहाल लीकेज का काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी एक दिन लीकेज को देखा जाएगा, जिसके बाद खुदाई से गड्ढे को बंद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।